अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मुना एंड सकीना। दिस इज़ ऐमन ख़ान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें जो खूबसूरत सा ड्रेस मैंने पहना हुआ है, ये ड्रेस है बुनैजा सतरंगी का। बहुत ही खूबसूरत कलर, बहुत ही खूबसूरत कपड़ा, इसका टेक्स्चर बहुत मज़े का है, इसकी शॉल का प्रिंट बहुत मज़े का है। और ये अम्मा लेकर आई थी मेरे लिए, तो जब लेकर आई थी तब तो मैं नहीं मान रही थी कि मैंने लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन था। इसके साथ ये जितनी भी पैचेस वगैरह लगे हुए, कुछ भी नहीं था। ये जैसे गले का पैच है और आगे ये बाजुओं का जो पैच मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप हैरान हो जाएंगे इसकी प्राइस। उनकी अम्मा ने सिर्फ 150 रुपीज़ के पैचेस लिए थे, बिकॉज ये बिल्कुल प्लेन सूट था और ये 150 के पैचेस लेके अम्मा ने इसके बॉर्डर पे, नेक पे और स्लीव्स पे लगाए हैं, और जिसकी वजह से इसकी ग्रेस इतनी अच्छी लग रही है, इतना मज़े का सूट लगता है ये। और जैसे मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, मैं नीचे थोड़ा सा लूज सा प्लाजो और लॉन्ग शर्ट, ये इसका मैंने बनवाया था, और साथ में ये शॉल है। बहुत ही खूबसूरत कलर कंट्रास्ट है सूट का, इसका शॉल का प्रिंट है, ऑल ओवर में फ्लावर्स बने हुए हैं। मैंने कहा चलो बैग्स भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत बुनैजा सतरंगी का ड्रेस है, मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा मेरी जी ना इस दुपट्टे की इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज ये गया हुआ था टेलर के पास, लेकिन टेलर जो है ना वो छुट्टी पे चले गए, उनके किसी की एक्सीडेंट हो गया तो वो चले गए और ये वापस आ गए इसी तरह, तो इसको इग्नोर करें। बाकी ये सूट है, ये बुनैजा सतरंगी का सूट है और बहुत ही खूबसूरत कलर है स्पेशली विंटर्स के लिए, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको मेरी अम्मा ने डिज़ाइन करवाया है। और एज़ यूजुअल जैसे भी कपड़े पहनती हूँ वैसे मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरे टेलर भी बहुत अच्छे थे, उसने बहुत अच्छी फिटिंग में स्टिच की है, तो आई लव इट। और मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो जी, मैंने जब ये सूट पहना, मैं इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि मुझे नज़र लग गई, और जब मैं बाहर ये गई पहन के तो मुझे पता ही नहीं चला, जैसी मैं उतरी ऑटो से तो पीछे से शर्ट मेरी फट चुकी थी, मुझे बिल्कुल पता नहीं, आइडिया ही नहीं कैसे फटी, लेकिन मेरा सारा सूट ख़राब हो गया। बट अम्मा ने कहा कोई बात नहीं, मैं ठीक करा दूँगी, लेकिन मैं थोड़ी सैड होगी इस वजह से, खैर होता रहता है। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएगा आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।